वेलकम टू सिपी फूड फीड एंड दिस इज़ व्हाट्स ऑन माय प्लेट टुडे। तो आज मैंने बनाया है बहुत ही यमी सा वेजिटेबल पुलाव बहुत ही सटल फ्लेवर्स के साथ। तो पहले हमें चावल को पार बॉईल करना है, आधा पकाना है। तो गर्म पानी में हल्दी, नमक और तेज़पत्ता डाल के चावल को 15 से 20 मिनट तक उबाल लें और फिर उसे निकाल लें, कलर बहुत अच्छा आ जाएगा। फिर एक कढ़ाई में डालें घी और ऑयल, फिर उसमें जाएगा खड़ा गरम मसाला, जिंजर गार्लिक पेस्ट, सूखी लाल मिर्च, प्याज, आलू और नमक डालकर उसे अच्छी तरह से पका लें। इंग्रेडिएंट्स के लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करना है। फिर मैंने यहाँ डाला है गाजर और बीन्स, आप अपने पसंद की कोई भी वेजिटेबल डाल सकते हैं। थोड़े से नट्स को और सीड्स को घी में रोस्ट कर लिया है। फिर सूखे मसाले डाले हैं, भुने हुए जीरे का पाउडर, धनिया पाउडर, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर और गरम मसाला। पानी डाल के सबको अच्छी तरह पका लीजिए। फिर डालिए 2 चम्मच दही और अब हम चावल को करेंगे सेट। हमें इसे दम करना है तो मैं चावल की एक लेयर लगाऊंगी, फिर डालूंगी गरम मसाला, थोड़ा सा दूध और फिर डालूंगी रोज़ वाटर और जाएगा इसमें हमारे यमी ड्राई फ्रूट्स एंड घी। इसे दम करिए फॉर 30 to 35 मिनट्स। कोरिएंडर और लेमन स्लाइसेस के साथ सर्व करिए, बहुत मज़ा आएगा। तो अब जाते जाते डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।